हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास टेंथ के विद्यार्थियों, आपने पढ़ा अभी आप फर्स्ट लेसन और लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र, भगवान को एक पत्र जिसकी कहानी आपने पूरी अच्छे से सीखी है, जिसका पात्र है लेंचो, उसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, सब कुछ सीखने के बाद आपको आंसर आपके मुंह जुबानी हो गया है तैयार। तो चलिए बात करेंगे हम आज आपके शार्क आंसर और टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है कितने 4 मार्क्स का। कैसे 2+2 यानी 4 मार्क्स आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखें। देखिए, कहानी पढ़ने के बाद सबसे बात ये होती है कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और कहानी के अनुसार आप आंसर को बनाने की कोशिश करिए। तो ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, बारिश की बूंदों की क्या तुलना होती है एंड व्हाई और क्यों होती है। तो बारिश की तुलना क्या होती है, नए सिक्कों से की जाती है। तो आप लिखोगे कैसे जब आप इसका आंसर बनाने आओगे, तो क्या आप लिखोगे, इसका हो जाएगा आपका क्या कि रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों को आर कंपेयर्ड टू न्यू क्वाइंस 5 सेंट एंड 10 सेंट पेसोज। बारिश की बूंदों की कंपेयरिंग किससे की जाती है, किससे, आपके 5 सेंट और 10 सेंट के नए सिक्कों से की जाती है। और क्यों की जाती है, ये आंसर है। तो आप लिखोगे कि इट इज, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि दे ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। दे ऑलवेज अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी दे ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड अ गुड मनी। वे हमेशा एक अच्छी फसल और अच्छे पैसे देने का वादा करते थे। कौन, बारिश की बूंदे जब गिरी तो फसल ऐसा वादा करते थे, ऐसा लिखता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। देखो क्या था, आपने रेन ड्रॉप्स लिया, फिर आर कंपेयर टू इसमें दिया ही था। अब आपने नए सिक्कों से तुलना की गई, तो उसके आगे आपने जोड़ा न्यू क्वाइंस 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसोज। फिर था कि क्यों, तो इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप चाहते तो डायरेक्ट भी बिकॉज लगा सकते थे, क्योंकि वे वादा करते थे, दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड अ गुड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें, तो इसमें कह रहा है, जब सेकेंड क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, ये कह रहा है कि व्हाट लेंचो सरप्राइज, लेंचो को क्या आश्चर्य हुआ टू फाइंड पाकर अ लेटर पत्र फॉर हिम, अपने लिए विथ मनी, पैसे के साथ भरे हुए लेटर को पाकर लेंचो के मन में क्या आश्चर्य आए, लेंचो के मन में क्या आश्चर्य आए। तो आपको तो पता है कि लेंचो ने तो कोई भी आश्चर्य दिखाया ही नहीं। ये बात कौन देखा था, डाक का मालिक क्या है, अपनी खिड़की से देखा कि क्या है, लेंचो जो है पैसा को गिनने के बाद कोई आश्चर्य नहीं दिखा रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, किस लिए, टू फाइंड अ लेटर
विथ मनी टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। ठीक है, उसमें पत्र में क्या है, पत्र में पैसे रखे हुए पत्र को पाकर लेंचियो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। आपने क्या देखा कि उसमें जो लगा हुआ है वही लेंचियो वाई नॉट एट ऑल सरप्राइज। उसके बाद आपने क्या किया, इस वर्ड को क्या किया, तुरंत जोड़ दिया है। यानी अब आप समझ गए कि क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देखने हैं। देखो, जरूरी नहीं कि हम 25 वर्ड्स एकदम गिन के ही लिखे, अगर कुछ कम में भी हो जाते तो कोई बात नहीं, बस परफेक्ट आंसर होना चाहिए, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये शुरुआत है, शुरुआत में पकड़ अगर आपकी मजबूत होगी, आगे चलकर आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे कि हर क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। इसके लिए हमको क्या करना है, कहानी को बहुत अच्छे से एक बार समझना है। अगर अभी भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा, एक बार फिर से ठीक है क्या करिए, उस वीडियो को देख जाइए और कहानी को समझिए, और फिर आंसर समझने के लिए इस वीडियो को ओपन करिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर मैंने जैसे बनाए हैं। और अगर आपको समझ में आती भी रहे तो कमेंट करिए, हाँ सर हमें आ रहा है समझ, बहुत अच्छा ये बताइए आप हमें, कुछ फीडबैक हमको भी मिलता रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड लेंचियो प्रेडिक्शन, हाउ डिड लेंचियो प्रेडिक्शन, लेंचियो की भविष्यवाणी कैसे कैसी थी अबाउट रेन कम ट्रू, सच साबित हुई। बारिश के बारे में लेंचियो की भविष्यवाणी कैसे क्या हुई, सत्य हुई। तो कैसे क्या कर रहा था लेंचियो, लेंचियो ने सुबह से कोई काम किया ही नहीं, वो क्या कर रहा था, बस उत्तर पूर्व की ओर लगातार बादलों को देखता रहा था। देखेंगे क्या है आंसर, तो आप क्या लिखोगे कि लेंचियो लेंचियो लुक्ड, लेंचियो देखा कहां पर, टुवर्ड्स। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 की स्टूडेंट हो, सभी को पता है भाफेली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफेली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम यूपी 10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में लेंचियो क्या किया, उत्तर पूर्व में देखा एंड रिमार्क्ड और बोला, एंड रिमार्क्ड और बोला दैट की वे कुछ पानी पाने वाले हैं, दे वुड गेट सम वाटर, दे वुड गेट सम वाटर, वो कुछ पानी पाने वाले हैं। और जब यही बात बोला, यही उसकी बात क्या हुई, सत्य साबित हुई, यही भविष्यवाणी। जब शाम को बारिश हुआ तो हम क्या लिखेंगे, हिज प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी, हिज प्रेडिक्शन, हिज प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी केम ट्रू सही साबित हुई, when it started raining in the evening। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्हाई वाज लेंचियो सोल, लेंचियो की आत्मा क्यों फिल्ड विथ सारो दुख से भर गई, क्योंकि उसकी पूरी फसल
क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, ओलो ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दिया था और कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करे। तो हम लिखेंगे क्या आंसर, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है इसका। हम लिखेंगे कि लेंचो सोल, वाई है हटा दो, वाच को सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, लेंचोज शोल, लिंचो की आत्मा, वाज फील्ड विथ सारो, वाज फील्ड विथ सारो, दुख से भर गई। लिंचो की आत्मा क्या हुई, दुख से भर गई, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि क्या, हिज ऑल क्रॉप्स, हिज ऑल क्रॉप, उसकी सभी फसल क्या हो गई थी, वर डिस्ट्रॉयड, वर टोटली डिस्ट्रॉयड, हिज ऑल क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, वर टोटली शब्द यूज कर पूरी तरह, वर टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, ड्यू टू हेल स्टोन्स, ओलों के कारण, हेल स्टोन्स, ओलों के कारण उसकी पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और नो वन, कोई ऐसा नहीं था, हु कुड हेल्प हिम, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सके, इसलिए उसकी आत्मा क्या हो गई, दुख से भर गई, क्योंकि जिस फसल के लिए वो पूरी तरह खुश था वही फसल बारिश के बाद जब ओला पड़ा बर्बाद हो गई, एकदम नमक की चादर की तरह उसपे ढक गई थी। तो ऐसी स्थिति लिंचो को जब देखने को मिली तो उसकी आत्मा क्या हुई, दुख से भर गई। कहानी देखो, जो सुने उससे कुछ जुदा तो नहीं लिखा जा रहा है, वही है जो आपने कहानी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन तैयार करके रखो, आपका हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है आप कंप्लीटली परफेक्ट करोगे। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का क्या वादा करते थे, तो अच्छी फसल के क्या वादा करते थे बताइए। द क्रॉप ऑफ लिंचो फील्ड, लिंचो की खेत की फसलें क्या करती थी, एक अच्छी फसल देने का वादा करती थी। कि अकॉर्डिंग टू लिंचो, अकॉर्डिंग टू लिंचो, लिंचो के अनुसार, लिंचो के अनुसार, खुशी है भाई, लिंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिस पर फूल लगे हुए थे, ऑलवेज प्रॉमिस्ड, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। ठीक है, क्यों ऐसा होता था, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग टू अ गुड हार्वेस्ट, दैट इज वाई, दैट इज वाई, दैट इज वाई ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वह एक अच्छी फसल कि क्या कर रहा था, आशा कर रहा था, इसलिए उसको ऐसा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही बहुत ब्यूटीफुल आंसर इसका बनेगा क्या, कि व्हाई डिड लिंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लिंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसको अपनी फसलों से को फिर से बोने और जीवन यापन करने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता थी। तो क्या लिखोगे, अब डिड है तो यहां राइट का रूट हो जाएगा, तो लेंचो, ये सी है देखिएगा, लेंचो रोट, लेंचो रोट
अ लेटर टू गॉड, ये व्हाई डिड हटा और वर्ब आपका क्या होगा सेकेंड फॉर्म। अगर क्वेश्चन पास्ट में तो आंसर भी पास्ट में ही देना, जिस टेंस में क्वेश्चन उसी में आंसर। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, वर डिस्ट्रॉयड उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, एंड ही नीडेड 100 पीसोज टू सो, बोने के लिए हिज फील्ड अपने खेतों को, हिज फील्ड अगेन 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल न आ जाए। तो क्यों आवश्यकता थी, बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, एंड ही नीडेड 100 पीसोज, उसको 100 पैसों की जरूरत थी, किस लिए ऐड करेंगे टू सो, बोने के लिए हिज फील्ड अपने खेतों को, अगेन फिर से, एंड टू लिव और जीवन जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि आगे वाली फसल न आ जाए तब तक के लिए उसे इसे इतने पैसे की जरूरत थी, लेकिन मिला कितना था 70। और लास्ट में कहा क्या था कि जो जिन कर्मचारियों ने मदद की थी उनको ही कहा था कि बेईमानों के झुंड हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके और लेटर टू गॉड का शॉर्ट आंसर। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बनाने के लिए, वैसे ही आप बनाओगे। और आगे कुछ और भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करोगे, उनको हम समझाने का पूरा प्रयास आपको किया जाएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और सबसे अहम बात, अभी भी वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे और शुभम क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले उसको बाबू आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, तभी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो तब तक के लेते हैं हम विदा।